किताबों से कभी गुजरो तो यूं किरदार मिलते हैं, गए वक्तों की ड्योड़ी में खड़े कुछ यार मिलते हैं। जिसे हम दिल का वीराना समझ कर छोड़वाए थे, वहां उजड़े हुए शहरों के कुछ आसार मिलते हैं। अब दम नहीं रहा, बस आ ही रहे हैं बड़े सरकार आपके पास कुछ दिन और। बड़े सरकार, अंदर आ सकता हूं छोटे सरकार? आइए, आ जाइए दीवान जी। नमस्कार। इतना वक्त लगता है आपको आने में? अब सीढ़ियां चढ़ते दम फूलने लगता है छोटे सरकार, उम्र हो गई है ना। तो घर बैठकर आराम कीजिए ना, काम काज तो क्या होगा आपसे? कभी कोई कमी तो ना रही सरकार, हुक्म कीजिए। बेल नींबू जानते हैं क्या होता है? बेल नींबू सरकार, वो इतना इतना बड़ा नींबू होता है सरकार, बड़ा बेस्वादा सा, ना खट्टा ना मीठा। वैद्य हकीम लोग दवाइयां बनाने में इस्तेमाल करते हैं उसका, और बच्चे खेला करते हैं गांव में फुटबॉल बनाकर। हमें नींबू चाहिए। बेल नींबू सरकार? जी हाँ, वही। इस मौसम में तो मौसम बेमौसम हम नहीं जानते दीवान जी, हमें नींबू चाहिए आज, आज ही शाम को सूरज डूबने से पहले। लेकिन सरकार आजकल तो कल नहीं दीवान जी, आज, आज ही। मौसम के बेर तो रसोईया भी ला सकता है, फिर आप किस मर्ज की दवा है? 10-10 आदमी आकर कचहरी में बैठे रहते हैं, आखिर किस लिए? आज शाम तक अगर बेल नींबू नहीं आया तो पूरी कचहरी उठवा देंगे हम। जाइए। जी सरकार। मुझे एक बेल नींबू चाहिए चित्रंजन। बेल नींबू अप्रैल के महीने में? हाँ, और आज ही शाम सूरज ढलने के पहले। कोई मस्करी नहीं है, 10 आदमी आके बैठे रहते हैं कचहरी में, आखिर किस लिए? शाम तक नींबू ना मिला तो पूरी कचहरी उठवा दूंगा। ऐसा कहा? जी। अब जाइए, जाके कुछ इंतजाम कीजिए। ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आइए चित्रंजन बाबू, बैठिए। आज आप बहुत गंभीर दिख रहे हैं। नीलकंठ, एक बेल नींबू चाहिए। बेल नींबू? उहूं से काम नहीं चलेगा, जिंदगी और मौत का सवाल है भाई। अब उहूं कहकर मौत तो नहीं टाली जा सकती ना। क्यों, कोई बीमार है क्या? बस, हुक्म है सरकार का।
और ये के आज ही चाहिए, सूरज ढलने से पहले। देखता हूं, और अगर नहीं मिला ना तो सारी कचहरी की छुट्टी हो जाएगी, सबके सब निकाल दिए जाएंगे। इस मौसम में बेल नींबू? इन मौसम में भी तो कभी फल मिल जाया करते हैं ना, शायद किसी के यहां दरख्त लगा हो, शायद किसी ने रख छोड़ा हो। देखता हूं, जाता हूं हेमू माली की, बस वही एक आखिरी उम्मीद है, वही आसपास के गांव कस्बों को जानता है, अपने गांव में तो मिलने की उम्मीद नहीं है। बेल नींबू भी कोई लगाता है घर में? देख लो नीलकंठ, मिलना चाहिए, ना मिलने से तुम अच्छी तरह जानते हो क्या होगा। बड़े खरदमाग हैं छोटे जमींदार, जब बड़े जमींदार जीते थे तो अलग। अरे वो भी बड़े खरदिमाग थे भैया, जो मर जाए भला हो जाए। आप अपना काम देखिए, हम ट्राई करते हैं। ठीक है। हेमू, ओ हेमू, हेमू। आ रहा हूं भाई, कौन है? क्या बात है, बीमार लग रहे हो तुम? दो हफ्ते हो गए खटिया से लगा हूं। बुखार है क्या? बुखार क्या, गरीबी में रोग ही रोग, कुछ पचता ही नहीं है। इधर खाता हूं बस, इधर। बिटिया कहाँ है गुलाबी? वो काम पर गई है, अब दोनों घर पर बैठ जाएंगे तो फिर दाना पानी चुककर कौन लाएगा। एक बहुत ही जरूरी काम है तुमसे, बेल नींबू चाहिए। बेल नींबू? अरे अरे भैया, 10 दिन से वैद्य जी वही तो कह रहे हैं मुझे, पर क्या करें, इस मौसम में बेल नींबू कहाँ से मिलेगा। और फिर हमारे गांव में तो है ही नहीं ना, किसको जरूरत पड़ गई बेल नींबू की। अरे भैया, चोचले हैं रईसों के, तुम चांस लेके देखो, अगर जुगाड़ हो जाए तो 2-4 रुपए का तुम्हारा भी इंतजाम हो जाएगा दवा दारू का। लो, अरे ले लो, दवा दारू के काम आएगा भैया। मुश्किल ये है कि अपने गांव में तो है ही नहीं ना, वो बनमाली जी है ना, उनके यहाँ है, लेकिन वो बस वो है वहीं, वो नदी पार मनोज बाबू के यहाँ 5-6 पेड़ हैं, लेकिन अब ये मौसम नहीं है ना, और युधिष्ठर जी से मेरी पहचान नहीं है। अरे हो सकता है वही पहचान ले तुम्हें, और अगर ना पहचाने तब भी क्या फर्क पड़ता है, ससुराल नींबू ही तो मांगना है उनसे। हम तो ये कहते हैं कि तुम ट्राई करके देख लो, हो जाए तो अच्छा। आराम से भाई,
अच्छा भाई, राम राम, राम, राम। कहाँ जा रहे हैं वो भैया? वो अपने देखकर भाई ध्यान से, बड़ी फिसलन है। अपने मनोज बाबू है ना? हाँ हाँ। उनके यहाँ कुछ पेड़ हैं बेल नींबू के। हाँ। एक बेल नींबू चाहिए। खादों में आए होते तो हम भी दिला देते। हमारे पिछवाड़े में लगे कई पेड़, पर इस मौसम में कहाँ मिलेगा बेल नींबू। देखता हूँ। हाँ संभाल के चलना भैया, मैं तो अभी गिरा होता। नमस्कार करता बाबू। ए हेमो, आजा आजा। नमस्कार। एकदम गीला हो गया, कहाँ से आ रहा है? वो इधर से ही, नदी घाट से पार करके। बड़ा कमजोर हो गया है तू, कैसे आना हुआ? आपके यहाँ बेल नींबू के पेड़ है ना? एक बेल नींबू चाहिए। पेड़ तो है सही, पर किसी काम के नहीं। फूल आते हैं झड़ जाते हैं, फल तो कभी लगा ही नहीं। हेमू एक काम कर दे, तू उसे कटवा दे, कुछ काम के पेड़ लगवा दे, बच्चे बड़े हो रहे, बाद में मजे लेंगे। दो महीने रुक जाइए, बरसातों में आके लगा दूंगा। पर तुझे बेल नींबू की जरूरत क्यों पड़ी? वो गांव में किसी को वो पी लिया हुआ क्या? हाँ हाँ। तू तो बहुत बीमार है, अब ज्यादा काम वाम मत किया कर। कुछ पानी वानी पिएगा? नहीं सरकार। मैं चलता हूँ। अरे ठहरो, पीछे रसोई घर में चला जा, कुछ खा पी के जाना। हाँ अच्छा, जा। तुम पत्ता फेंको जी। हाँ। बेईमानी करने की आदत नहीं गई तुम्हारी? हाँ। एहे, जब तुम बेईमानी करते हो तब। अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो। नहीं नहीं, मैं नहीं चलती, तुमको चलना होगा। चाल तुम्हारी है। नहीं बस ऐसे ही होगा। आओ आओ हेमू आओ। नमस्कार मालिक। कैसे आना हुआ? बैजी ने बताया कि आपके बागान में बेल नींबू उतरे हैं। पूरे 3 ठो थे, लेकिन बेमौसम के थे, सो हमने दे दिए। किसे दिए थे जी? गोपाल को दिए थे। तुम्हें क्या करने हैं? हमारे गांव में कोई बीमार है। ओहो, गोपाल का घर यही मंदिर के पीछे है, पूछ कर देखो, शायद हो उसके पास। अच्छा अच्छा। मैं नमस्ते। नमस्ते। यहाँ गोपाल भाई कौन है? मैं हूँ। अच्छा, मैं पास ही के गांव से आया हूँ।
युधिष्ठर जी ने बताया कि आपके पास बेल नींबू है। हाँ, तीन लाया था, एक लग गया, दो बचे हैं। हैं? हाँ है, दो दो रुपए लगेंगे। अब मुझे चाहिए। अच्छा, लाता हूँ। वो एक लक्ष्मी ने काट दिया, पता नहीं, एक बचा है, दो रुपए। और नहीं ना? आपका बेल नींबू। अरे वाह, एक ही मिला, चार रुपए का। अरे ये तो कमाल कर दिया तूने, शुक्र है ऊपर वाले का, पता नहीं कितनों की जान बची है आज। एक रुपया बैलगाड़ी वाले ने लिया। कोई बात नहीं, उधर रख दे, और बाकी ये रुपए आपके। दो रुपए तू रख ले, बाकी की उधर ही रख दे। तेरे तो चेहरे का रंग ही उड़ा जा रहा है, बुखार कैसा है? बदन तो बस जैसे भट्टी हो रहा है, बीच नदी में पहुंचकर चक्कर आ गया। वो तो शुक्र करो नदी में गिर नहीं पड़ा, नहीं तो लाश ही निकलती और जाता आपका नींबू भी। ये जरा गमछा गीला कर दीजिए। बस अच्छा, वो पैसे रखे हैं आपके नींबू के नीचे। ठीक है ठीक है। अरे ये लीजिए अपना नींबू। मिल गया? हाँ मिल गया, 2 रुपए की चीज और 10 रुपए लिए उसने, और फिर
भागदौड़ में ऊपर से 20 जो लग गए वो अलग, मेरा तो दम ही फूल गया। ठीक है 30 खर्चा किए हो ना, 10 ऊपर से और ले लेना, जान बची सो नींबू पाए। बेल नींबू। अजी हम आपके लिए शेर का दूध ला दें, नींबू क्या चीज है, आसपास के सारे गांव छान मारे, कहां कहां नहीं गए हम, बड़े सरकार ने एक बार। गुलाबी तुमने कुछ मांगा था मुझसे? बेल नींबू। यही है ना? मिल गया बेल नींबू, कहाँ से मिला? अरे तुम्हारे वास्ते तो हम शेर का दूध भी। मैं भी आई। चाचा बापू के लिए बेल नींबू मिल गया। रजवा नहीं मिला तुझे? उसे हवेली भेजा था। नहीं क्यों? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। Oh, my God.